दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय नून अकेडमी इफ़ यू आर अ स्टूडेंट अब आपको कोचिंग सेंटर ढूंढने और जाने की फिकर की जरूरत ही नहीं है ऑल यू नीड टू डूज डाउनलोड द न्यू अकेडमी ऐप ऑन यर फोन अपनी सब्जेक्ट नीड्स के मुताबिक ज्वाइन एन ऑनलाइन क्लास ऑफ योर फेवरेट टीचर यून अटेंड लाइव लेक्चर्स प्ले क्विज गेम्स विद ये स्टूडेंट्स वुट अब अवस्चन गट स्टडी नोट्स एंड मच मोर यानी खेल खेल में पढ़ाई भी और बेस्ट टीचर्स की गाइडेंस भी सिमिलरली आई हाईली रिकेमेंड माई रिस्पेक्टेड टीचर्स टू कंसिडर टीचिंग ऑन न्यून अकेडमी ग्रांड कोलेबोरेन अपनी जगह लेकिन ऑनस्टली स्पीकिंग दिस इज लेस ऑफ ए नये एंड More of a personal recommendation. So, find the download link in the description and join Noon Academy today. अच्छा और सुना कितनी तैयारी होगी तेरी बस यार ऑलमोस्ट डन है बस रह गए और और दो गजले हैं बस <laughs> ये किसी और को करा सही सही बता पागल हो गया क्या सीरियस बता रहा हूँ तबसेरे रह गए और दो गजले है बारह बजे तक तैयारी डन हो जाएगी उसके बाद फिर पेपर प्रैक्टिस करके सो जाऊंगा <laughs> शर्म नींद पूरी है तेरी हाँ हाँ क्या हो गया अबे भाई कल मैथ्स का पेपर है मजाक न करे यार वो भाई तू तो गया असल दोस्तों हमारे पूरे बचपन और आदि जवानी का खासा मामूल पढ़ाई और एग्जाम्स के गिर तवाफ में सर्फ हो जाता है और अफसोस ये कि पढ़ाई और एग्जाम्स की असल रूह को समझने से जहां अक्सर तलबा कासिर हैं वहीं हमारा तालीमी निज़ाम और की अक्सरियत भी एग्जाम्स की असल रूह को समझने से कासिरर है लेकिन ये फरसुदा किस्सा किसी और दिन ऐसी आए आज एग्जाम्स की तैयारी की बातें करते हैं ओके क्लास दिस इज द टाइम टेबल फॉर मार्क एग्जाम्स इसे कॉपी कर लें और आज से तैयारी शुरू कर दें एंड रिम्बर जो एन एग्जाम में फेल होगा उसे बोर्ड एग्जाम्स का एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा दैट इज क्लियर एंड फाइनल झूठ सर झूठ झूठ बोल रहे हैं सर ये क्या सर आपने रमजान में टेस्ट रख दिए रोजे में कौन पढ़ेगा सर साइलेंस नो एक्सक्यूजेस अवतार के बाद टाइम ही टाइम होता है नॉनसेंस मुझे ना दे नहीं सर तर अभी भी पढ़नी होती है सर क्या हो गया सर सर ये झूठ बोल रहे हैं अवतार के बाद सारा टाइम स्नूकर खेल रहे होता है मेरी गली में ही रहता है आप डेट चेंज ना करना अभी तू चुप कर किताबी कीड़े तेरे घर में तो खेलता ना स्नूकर साइलेंस अजीब पंचायत सर कोर्स कितना आएगा सर कम्पलीट कोर्स आएगा बेटा फुल हंड्रेड परसेंट क्या हो गया सर अभी तो कोर्स खत्म ही नहीं हुआ बेटा मुंह से घुटका निकाले तो आपको होश आएगा कोर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है थोड़ा सा रह गया, <laughs> तो गया। <laughs> साइलेंस साइलेंस क्लास सालेंस। बेटा बस थोड़ा सा कोर्स रह गया नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा सर क्या हो गया अभी तो चार चैप्टर रहते हैं बेटा फ्लूड डायनेमिक्स आज खत्म हो जाएगा कल ऑप्टिक्स खत्म कर देंगे दो दिन वेव्स वाला चैप्टर और चैप्टर वन सिंपल है उसके नोट्स ले लेना आप सर पिछले से पहले का सिलेबस इंक्लूडेड है ना व्हाई नॉट व्हाई नॉट सब इंक्लूडेड है बेटा नॉट एट ऑल ऑफ कोर्स जवाना मैं देख रहा हूँ तुम्हारा ध्यान आजकल ड्रामा और मोबाइल में ज्यादा है ये पढ़ाई कब करती है तुम अब अभी तो बैठी हूँ लेकर सारा दिन तो घर के कामों में गुजर जाता है पढ़ाई खाक करूंगी मैं अच्छा ऐसा कौन सा काम करती है तुमने आज अरे मेरा मतलब चाय तो बनाती हूँ ना और बर्तन भी धोने होते हैं सिर्फ आज किया तुमने ये काम बहाने ना लगाओ ज्यादा एग्जाम कब से तुम्हारे तीन हफ्तों बाद है बसाज से काम तुम्हारे सारे बंद पढ़ाई पे ध्यान लगाओ और कुछ दिन के लिए मोबाइल अपना बंद कर दो और इस नालायक के कब से पेपर अब्बू मेरे भी साथ ही स्टार्ट है तुम्हारी कितनी तैयारी हुई है अब अभी कहा काम ही नहीं कम्प्लीट होता क्या मतलब काम क्यूँ कम्प्लीट तुम्हारा अब्बा वो बीमार था ना छुट्टिया की थी बस अभी छापना छोड़ो और फोटो कराओ और तैयारी पर ध्यान दो टाइम टेबल बनाओ ला कर दिखाओ मुझे इस बार लिख कर तैयारी करो एग्जाम से पहले दो दफा तैयारी होगी और दो दफा रिवीजन होगी तभी जाकर टॉप करोगे वरना कोई फायदा नहीं है अब अच्छा मजाक कर लेते हैं आप क्या मतलब नो no डाउट के क्लास के टॉपर्स और सभी अच्छे स्टूडेंट्स कोई ना कोई टाइम टेबल जरूर फॉलो करते हैं इनफैक्ट हर कामयाब इंसान की लाइफ में टाइम टेबल का बड़ा अहम रोल होता है लेकिन हम में से अक्सर कौन सा कोई थॉमस फ्रैंक या मैट डी वाला था बचपन में टाइम टेबल बनाना और उसे फॉलो करना तो बस एक मजाक ही था मेरा बेटा यहाँ पे वापस उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक तो तुम अपनी मनहूस चक्कर लेके निकलोगे नहीं यहाँ ऐसी अब जो भी कहे मैं यहाँ ऐसी एक कदम भी नहीं हिलूंगी जब तक कशर नहीं आ जाते एग्जाम्स कब से है तुम्हारे अरे अभी तो महीना पड़ा है मामा उठो जाओ जाकर पढ़ाई करो वक्त क्यों जाया कर रहे हो अपना तुम्हारा क्या काम है इस ड्रामे में अच्छा अच्छा जा रहा हूँ गेमे खेल रहे हो पढ़ क्यूँ नहीं रहे हो दो हफ्ते रह गए तुम्हारे एग्जाम में अच्छा अच्छा मामा एक मिनट बस ये थोड़ी सी देर रह गई है एंड होने वाली है गेम इस बार तुम्हारे रिजल्ट का अल्लाह ही हाफिज है वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है अरे मामा आता है सारा साथ साथ पढ़ा है अभी चार दिन पड़े एग्जाम में रोज दो दो सब्जेक्ट करूंगा कर आराम से तैयारी हो जाएगी अभी तक एक भी सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाया तुमने अरे नहीं नहीं मामा दो सब्जेक्ट तो तैयार भी कर लिए मैंने कौन से इंग्लिश ग्रामर और उर्दू ग्रामर शर्म तो नहीं आती ना तुम्हें उठो और पढ़ाई के लिए बैठो अपने कजन ऐसी कुछ सीख लो कितना शौक से पढ़ते हैं सारे भाई क्या ना मामा अच्छा जा रहा हूँ यार वैसे सारा टाइम जाया हो गया चार दिन में तैयारी कैसे होगी सब्जेक्ट्स नौ है दिन चार है उह 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 यार शिट ये तो हालत टाइट हो रही है अच्छा आसान सब्जेक्ट से स्टार्ट करता हूँ नहीं नहीं पहले मुश्किल सब्जेक्ट्स मुका लेते हैं बल्कि नहीं नहीं मुश्किल सब्जेक्ट तो बहुत टाइम लेगा वैसे मेरे ख्याल से जरूरी तो नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स पहले से तैयार हो कुछ आखिरी दिन भी पढ़ा जा सकता है ऐसा करता हूँ टाइम टेबल पहले बना लेता हूँ पिक्चर क्लियर हो जाएगी अच्छा जी इंग्लिश तो आखिरी दिन हो जाएगा कंप्यूटर ये भी बच्चों वाला है इस्लामियात ये ये भी आसान ही है आखिरी दिन हो जाएगा मैथ्स में प्रैक्टिस ही करनी होती है रोज एक एक चैप्टर करूंगा तो ये भी हो जाएगा पीछे रह गए तीन सब्जेक्ट्स और दिन है चार अबे भाई बहुत टाइम है अभी तो ऐसी खाम खां टेंशन ले रहा है और वैसे भी मैंने तो वो चैप्टर तैयार करने जो पिछले टेस्ट में नहीं आए अबे भाई बहुत टाइम है एक तो एग्जाम की तैयारी के वक्त दिमाग को इतना क्रिएटिव हो जाता है ना मेरे ख्याल से दुनिया के क्रिएटिव तरीन आइडियाज या तो आपको वॉशरूम में आएंगे या तो एग्जाम की तैयारी के वक्त सिन शुड भी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेजिडेंसी सिंह भी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेजिडेंसी शुड भी सेपरेट वैसे जिस दिन एग्जाम खत्म होंगे ना बी सेपरेट सही पार्टी तो उस दिन हो दिन वापस आकर सबसे पहले नहाऊंगा और फिर सुकून से सुउंगा बम्बे प्रेजिडेंसी सिंह भी सेपरेट वैसे बड़ा मजा आएगा एग्जाम्स के बाद इस बार जी टी ए वाइज सिटी का एंड तो पक्का स्विमिंग भी करूंगा करूंग और साइकिलिंग तो हर रोज वैसे इस बार छुट्टियों में कोयटा चले जाए तो, तो मजा ही आ जाएगा मैं तो ट्रेन की विंडो सीट पर ही बैठूंगा फ्रॉम बॉम्बे प्रेजिडेंसी बस यार फोकस करो फोकस पढ़ाई पे फोकस करो आधा घंटा हो गया जरा देखो तो आगे कितना रह गया सिलेबस चेक करो एक बार जरा अच्छा जी ये है ये ये और अभी तो काफी रहता है राशिद से फोन करके पूछता हूँ कितना रह गया असला वाईकुम अल्लाम राशिद क्या हाल है यार मैं ठीक यार तैयारी स्टार्ट कर ली थी एग्जाम की हाँ यार की थोड़ी बहुत तैयारी स्टार्ट किये है मैथ्स के दो चैप्टर किए बाकी आगे ही देखूंगा अभी नहीं कर रहा मैं दोस्त का ठंड प्रोग्राम देखकर हम अक्सर अपनी तैयारी में भी ठंडे पड़ जाते हैं कट शॉर्ट होता यही है कि माइंडलेस आउट ऑफ फोकस रट्टों की नाकाम कोशिश करते करते आखिरी दिन आ जाता है और एग्जाम की तैयारी घंटा होती है कभी तैयारी के वक्त नींद आ जाती है और अगर नींद ना भी आए तो मेहमान आ जाते हैं भाई मैं उन अकलमंद अच्छे स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा जो एग्जाम ऐसी एक रात पहले आठ बजे तक पूरी तैयारी खत्म कर लेते हैं और रात दस बजे तक एक बार रिविजन करके बैग पैक करके सो भी जाते हैं मैं बात कर रहा हूँ उन लेजेंड्स की जो रात दस बजे टोटल बारह चैप्टर में से हार्डली तीन चैप्टर तैयार करके बैठे होते हैं और जिन्हें दिन के चौदह घंटों ऐसी लंबी एग्जाम से पिछली पांच घंटों की रात लगती है इस शेर में शायर उसने ताली का इस्तेमाल करते हुए अपने महबूब से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि जब मेरा महबूब मुझसे नाराज होता है तो ऐसा लगता है अबे यार ये सब पढ़ने का क्या फायदा है क्या फजूल चीजें हैं ये हाँ सारा साल तो पढ़ा नहीं अब आखिरी रात तो फजूल ही लगेगा ना यार दानिश चाय बनाओ ना <laughs> पागल है खुद बनाओ ना और एक कप मेरे लिए भी बनाना मैंने भी सारी रात पढ़ना अच्छा चलो ऐसा करो अभी डेढ़ बज रहे है ना मुझे तुम दो बजे उठा देना वो यार ये तमाशा ना करो उठना उठना कोई नहीं तुमने खाओ में मेरा भी टाइम जाया करवाओगे बस एक छोटा सा पावर नहीं। अलाम है अलार्म लगा रहा हूँ वैसे मैं खुद उठ जाऊंगा ना उठा तो फिर तुम उठा देना शहराम उठ जाओ सवा हो गए एग्ज़ाम मिस हो जाएगा उठ रहा उठो सवा सवा सात मुझे उठाया क्यों नहीं रात को उठाया था तुम तो उठे ही नहीं मेरी हमदर्दियाँ उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि जिनके एग्जाम्स ईद के फौरन बाद स्केड्यूल हो जाते हैं और ईद पर भी उन्हें सकून नसीब नहीं होता अंकल ये ऐसा करें ये एडमिट कार्ड फोटो कॉपी कर दें और इसकी प्लास्टिक कोटिंग भी कर दें एक ट्रांसपेरेंट पेंसिल बॉक्स पेंसिल रबर शार्पनर स्केल दो ब्लू पेन दो ब्लैक पेन और दो पॉइंटर दे दें और एक एग्जामिनेशन बोर्ड भी दे दें ओए चंपू कैसा है एडमिट कार्ड की भी प्लास्टिक कोटिंग कराता है लगता है बड़ी तैयारी चल रही है एग्जाम की हाँ तो तुमने नहीं लेनी स्टेशनरी अब स्टेशनरी तो दूर की बात मैं तो सब्जेक्ट की बुक अभी खरीद रहा हूँ क्या मतलब अभी पढ़ना शुरू नहीं किया तुमने आज रात पढ़ूंगा ना जो तैयारी आखिरी रात में होती है ना वो साल की तैयारी में नहीं है अभी नोट्स फोटोकॉपी करा रहा हूँ भाई मैं तो कहता हूँ एग्जाम्स के दिनों में सबसे फिट बिजनेस आइडिया फोटो कॉपी की मशीन लगा लो दबा कर कमाई होगी खास तौर पे बोर्ड एग्जाम्स के दिनों में जो मॉडल पेपर्स गेस्ट पेपर्स की बुक्स और नोट्स का धंधा चलता है ना हर दूसरा बंदा अपनी दुकान चमका रहा होता है चैप्टर थ्री के पढ़ रहे लेफ्ट जेब में हो गए चैप्टर फोर के पढ़ रहे राइट चैप्टर फाइव से सेवन जूते चैप्टर एट से टेन बाथरूम और चैप्टर इलेवन टाई में ठीक होगी अबे बस कर दे जो याद किया है वो भी भूल जाएगा आजा आजा एग्जाम हॉल चलते हैं यार अबे जब कुछ याद ही नहीं किया तो भूलेगा क्या मैं तो ये याद कर रहा हूँ की कौन से चैप्टर के पढ़ रहे कौन सी जेब में रखे है वही शाहरुख तू बड़ा एक्टिव होता है नून अकेडमी की ऐप पे बड़े सवाल सवाल डिस्कशन बेटा सब समझता हूँ मैं तेरे मकसद छड़े ठरकी कुछ पढ़ लिया कर भाई क्या हो गया पढ़ तो मैं वहाँ तेरी तरह थोड़ी हूँ तेरा तो नवाबों वाला हिसाब है ट्यूटर तेरे घर आता है भाई मैं तो कहता हूँ जब नून अकेडमी की वजह से अच्छी वाली पढ़ाई हो रही है तो और क्या चाहिए अबे क्या हो गया यार एडमिट कार्ड घर भूल गया इस जैसे भी कई भुलक्कड़ कैरेक्टर्स होते हैं कभी एग्जाम में स्टेशनरी लाना भूल जाएंगे कभी रोल नंबर लिखना भूल जाएंगे तो कभी क्वेश्चन पेपर की दूसरी साइड देखना भूल जाएंगे यार आरिज मैंने थर्मल एक्सपेंशन वाला टॉपिक पढ़ा है समझ नहीं आ रहा थोड़ा समझा देगा हीट वाला चैप्टर भी आ रहा है ना यार वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं अच्छा चल वो स्टैटिक्स रिवाइज करवा दे वो तो मैंने चॉइस पे छोड़ दिया है और कैनमेटिक्स वो भी चॉइस पे छोड़ दिया अबे तो पढ़ा गया तूने चैप्टर वन और चैप्टर टू अबे यार वो तो इंट्रोडक्शन के चैप्टर्स हैं पेपर कैसे करेगा <laughs> तू है ना भाई ये तो सारी एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी की डिस्कशन थी बाकी पॉइंट्स अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे डू सपोर्ट माय शो ऑन पेट्रियन विद एस लोअर्स वन डॉलर इट रियली हेल्प्स मी रन दिस शो आज के लिए शहर को इजाजत दें मिलता हूँ अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज